देखिए बिहार में आज नई सियासत की नई सुबह है। नीतीश कुमार के एनडीए के साथ जाने के बाद बिहार का सियासी समीकरण बदल चुका है। विपक्ष नीतीश पर तरह तरह के आरोप मढ़ रहा है तो बीजेपी नीतीश की ढाल बनकर खड़ी हो गई है। अब ऐसे में आज बिहार में बड़ा दिन है। बड़ी जानकारी यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नीतीश की नई कैबिनेट की आज बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की यह बैठक है। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रियों के विभागों समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो कुल मिलाकर आज ये पहली सुबह और आज का दिन अहम बिहार की राजनीति के संदर्भ में। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? धन्यवाद पूजा, हमारे साथ नीरज सिंह हैं, उन्हीं से सीधी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन तीन बड़े मुद्दे, तीन बड़े एक्शन एनडीए के साथ नीतीश कुमार के आने के बाद। पहला कैबिनेट की बैठक, और दूसरा जिसमें कि नीतीश कुमार जो अपने सांसदों के साथ आने वाले बजट सत्र पर चर्चा करेंगे, क्या तैयारी है, क्या रणनीति होगी। और इससे भी बड़ा मुद्दा, क्रेडिट लेने की होड़ आपस में लग गई है पुराने महागठबंधन और नए एनडीए के बीच में। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। तेजस्वी ने अपने दफ्तर में, आरजेडी के दफ्तर में पोस्टर लगवाया है जिसमें लिखा है धन्यवाद तेजस्वी, और अपने कामों को गिनवाया है। वहीं जेडीयू की तरफ से भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि परिवार बढ़ रहा है और हवाई यात्रा, हवाई जो परिवार होता जा रहा है। तो हमारे साथ नीरज जी हैं, बात करेंगे। नीरज जी, ये जो घटनाक्रम हो रहा है और एक्शन में सरकार है, स्पीकर को हटाने के लिए भी नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच में अब आप लोगों के ऊपर पुरजोर हमला किया जा रहा है। जो आप नौकरी बांटने की बात कह रहे हैं कि 7 निश्चय बांटो, ये तो तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी धन्यवाद, तेजस्वी को धन्यवाद दिया जा रहा है। देखिए, प्रकृति भी सूर्योदय की ओर और लोगों के बीच में खुशनुमा माहौल है। हम लोग भी चाय पी रहे हैं, एकदम चैन और सुकून की जिंदगी है। माननीय तेजस्वी यादव जी अब तो विपक्ष के नेता हो गए, राज्य के उप मुख्यमंत्री। तो इतनी जानकारी आपको नहीं है कि राज्य में जो संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री होते हैं वही नीतियों का निर्धारण करते हैं। और यही तो आशंका हमारी हो गई, या हमको जानकारी मिल गई थी कि नौकरी के नाम पर ही लोग जमीन लेने की फिर तैयारी कर रहे हैं। जो ही जानकारी मिली, और उसका प्रमाण है कि तबादला के मामले में राजस्व भूमि सुधार विभाग में इसकी सूचना आई, खनन भूतत्व विभाग में आया, तो लगा कि करप्शन, बिना करप्शन के ये चैन में रह नहीं सकते। तो स्वाभाविक है, हम लोगों ने फैसला लिया कांग्रेस के दुराग्रहपूर्ण रवैये और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल की जो कार्यनीति है, तो काहे नहीं बहाल कर लिए थे जब 15 साल राज किए थे तब। तब माल महाराज का मिर्जा खेले होली, एक एक बात को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि आज कैबिनेट की बैठक भी है और उसमें क्या तय होना है? आप लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए भी नोटिस दिए। विधानसभा अध्यक्ष को नैतिक रूप से तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, अब विधायी प्रक्रिया का वो अंग है, नोटिस करना, उसके बीच में भी वो इस्तीफा दे सकते हैं, ये उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जब संख्या बल नहीं हो तो स्वाभाविक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। और ये लोग तो कह रहे थे कि रास्ता बहुत कठिन है, तो कितना सुगम रास्ता हो गया, कठिन तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आज तो ईडी से पूछताछ होनी है, आज ईडी को समय दिया गया है कि लालू यादव जाएंगे और पूछताछ में हिस्सा लेंगे। अब वो सवाल तो महत्वपूर्ण है कि आज ईडी के सम्मन के बाद माननीय लालू प्रसाद जी जाएंगे, ईडी की प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि दलित, अति पिछड़ा, अभी तो जाति सर्वे की रिपोर्ट आई कितने भूमिहीन हैं और उनके नेता भूमि संपन्न है, ये सवाल भी तो अब आएगा। जब आप जा रहे थे नीरज जी उनके साथ, ये सब कुछ तो था ही ना, तो फिर लालू के साथ क्यों समझौता करने लगे आप? वो सजा याफ्ता हैं, उनकी पार्टी के नेता जो अध्यक्ष हैं, खुद तेजस्वी यादव बेल पर हैं, तब फिर कैसे चलेंगे? बिल्कुल, सारे चीज़ों को जानते हुए हम गए थे, लेकिन हमको लगा कि अब नई पीढ़ी के तेजस्वी यादव हैं, सुधार हो गया होगा। लेकिन लगा कि ना, फिर तो वही काम ही लोग कर रहे हैं, अब इनके विधायक, विधान पार्षद अनाप शनाप बोल रहे हैं, माने इनके मंत्री हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री थे, सगुना मोड़ के पर मकान उकान है, कोई गरीब आदमी नहीं है, अच्छे आदमी हैं। अब वो प्रभु श्री राम पर बोल रहे हैं, कभी रामायण पर बोल रहे हैं,
जिसको जो मन है सो बोल रहा है और तेजस्वी यादव का नियंत्रण अपनी पार्टी पर नहीं। अभी बात करते हैं जी पूजा जी। प्रकाश आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बताएं। बिहार से ही जहां पटना में नीतीश ने अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई है, संसद बजट सत्र से पहले जेडीयू की बड़ी बैठक है। दोपहर को 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू सांसद की बैठक होने वाली है। तो देखिए लगातार जो राजनीतिक अपडेट है वो इस खबर पर सामने आ रहे हैं। प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, संसद बजट सत्र से पहले जेडीयू की बड़ी बैठक, क्या तय होगा इस बैठक में, क्या एजेंडा रह सकता है? बिल्कुल, सांसदों की बैठक होने वाली है नीरज जी, आज नीतीश कुमार बुलाए हैं। तो आपका जो पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता था उसके तहत तो आप एनडीए में गए नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें तकरार है और फिर आप कह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग का कैसे चलेगा? 2020 का विधानसभा चुनाव सात निश्चय पार्ट टू पर लड़ा गया था। गठबंधन बीच में बदला तो सात निश्चय पार्ट टू तो रहेगा और उससे किसी को मतभेद नहीं है। लेकिन केंद्र में मेरी बात हो रही है, जो केंद्र में आपका एनडीए में शामिल जेडीयू हो रही है अभी, तो उसमें आपका जो जैसे कि आचार नागरिक संघ सीएए जो था उस सब में तो आप विरोध में हैं, तो उसमें कैसे आप करेंगे? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व जो नीतिगत मुद्दे पर, माननीय नीतीश कुमार जी को ये अधिकार है कि उन नीतिगत मुद्दों पर वो निर्णय लेंगे कि भाई जो प्रोग्राम में हमारा अंतर्विरोध रहता है उस पर कैसे सामंजस्य की नीति अपनाई जाए। और माननीय सांसदों की कोई मीटिंग नहीं है, बल्कि माननीय सांसदों ने इच्छा व्यक्त किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का। तो मुझे जहां तक जानकारी है 12:30 बजे उन लोगों से मिलने का उन्होंने समय दिया। इस बार क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे आप लोग? नहीं, अरे भाई बिहार तो विधानमंडल का सर्वसम्मत मांग है, बीजेपी भी इससे सहमत है, सारी पार्टियाँ सहमत है। तो हमारी उम्मीद जरूर है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास दर को देखते हुए और नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी दूर करने में सबसे हम अव्वल हैं, तो बिहार के प्रति विशेष नज़र तो जरूर रहे। देखिए ये अब जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जो पुरानी मांग है, जैसे ही विपक्ष में जाते हैं तो बहुत जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन साथ आते हैं तो फिर इनकी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि सत्ता में इनको। और इसी तरीके की जो हलचल है वो बिहार की राजनीति में रिएक्शंस के जरिए आप सामने आ रही है। आपका बहुत धन्यवाद अपडेट्स पहुंचाने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।